व्हाट्सएप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बनाने वाले हैं काफ़ी यूनिक वर्क, जैसे कि कोई काम करा हुआ है उससे बेस्ट काम कैसे बनाए, उससे बेटर कैसे बनाए। तो वीडियो को फुल वॉच करो, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, व्हाइट फैब्रिक पे मार्कर मार लेंगे, ठीक है। ये हमने पेंसिल मार के फेस पे मार्कर मारा है ताकि हमारा जो छपाई है वो डार्क दिखे और आप लोगों को सही से दिखाई दे कि छपाई एक्चुअली है क्या। और उसके बाद हम लेंगे जरदोजी, ठीक है। ये 2L है नटवरलाल का, थोड़ा लाइट शादी है, जो गोल्ड होता है थोड़ा लाइट गोल्ड है, तो हमको वो ले लेना है, 3 से 4 ले लेना है ज़्यादा से ज़्यादा। और उसको हल्का खींच के हमको काटना है, हमको इसको शेप में काटना है, जैसे हम सिलने वाले हैं ट्विस्टी विस्टी सिलने वाले हैं, पेचनी सिलने वाले हैं, तो उसकी साइजिंग काफ़ी छोटी होती है, उस तरीके से हम उसको काटेंगे, शार्पली काटेंगे। अपना कैची जो लेना है थोड़ा धार लेना है, जिससे अपना काटनिंग जो है फिनिशिंग में होगा। फिर कटिंग करने के बाद क्या करेंगे, हम निडल लेंगे 7 नंबर का जरदोजी निडल। आपको तार में ऐसे बीट्स लगा लेना है, लगाने के बाद आपको क्या करना है, गोल्डन ढाका पॉलिस्टर का लेना है आपको, जो सेम आपके शादी के कलर का होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको जो घुमरियाँ दिख रही है उसमें हमको जो मारना है ट्विस्टेड स्टिच मारना है, यानी कि पेचनी स्टिच मारना है, ठीक है। आपको स्टार्ट करने के लिए आप चाहे इसके फेस से स्टार्ट कर सकते हो, मुँह के पास से, या फिर पीछे साइड से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, पर सबसे आसान जो तरीका है वो आप पीछे साइड से स्टार्ट करोगे तो आपका ऑटोमेटिक जो है नोक आराम से बन जाएगा। आपको सारे घुमेरे पे क्या है, पेचनी स्टिच मार लेना है सही तरीके से, थोड़ा घना मारेंगे तो फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तरीका काफ़ी आसान है, आपको बैक साइड से लेके जाके अंदर साइड में आपको उसको पेचनी स्टिच करना है, काफ़ी घना रखना है आपको, तो फिनिशिंग आपकी बेटर रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा चालू मारने से काम थोड़ा जल्दी होता है, पर इतना जल्दी नहीं होता जितना फिनिशिंग मारने पे आपका काम अच्छा दिखेगा। तो आपको हल्का सा घना करना है, उसको अंदर दबा के ही लेना है, तो आपका जो वर्क की फिनिशिंग है वो काफ़ी बेटर होगी। तो जिस डिज़ाइन की हम जो इसको कॉपी बना रहे, कॉपी नहीं है ये, उससे बेटर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें क्या मारा हुआ है, उसने पेचनी स्टिच मारा है, वो काफ़ी चारू मारा है, जो देखिए वो चीप लग रहा है। उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा फिनिशिंग में थोड़ा घना मारेंगे, इसमें क्या होगा हमारा 3D और थोड़ा उठ के दिखेगा, प्लस काम हमारा बहुत ज़्यादा फिनिशिंग में और अच्छा भी दिखेगा। पेचनी स्टिच के बाद हम क्या करेंगे, बीच का जो फ्लावर है वहाँ पे लोडिंग मारेंगे, स्ट्रेट लोडिंग मारेंगे। तो उसके लिए पैटर्न जो हम काटेंगे वो नक्शी का काटा है हमने, जो हमारा साइज़ है फ्लावर का उसको काटना है, सिंगल आपको इसका पैटर्न देना है। और इस तरीके से हम जो उसमें जरदोजी यूज़ करेंगे वो अलग कलर यूज़ करेंगे, ठीक है। हम एक ही कलर का पूरा नहीं डालेंगे, कि कॉम्बिनेशन लेके चलना है हमको कलर का, जिसमें ब्लाउज की खूबसूरती जो और बढ़ जाती है। हम क्या करेंगे, इसमें 3 कलर हम बांट के चलेंगे, एक तो हमने लिया लाइट गोल्ड, एक तो लिया हमने एंटीक गोल्ड, और तीसरा जो हमारा रहेगा जो हमारा बेस कलर होगा उससे मिलता जुलता का हमारा कलर रहेगा। तो
इसके बाद हम जो यूज़ कर रहे हैं पेशनी के बाजू में जो हम लाइंस मार रहे हैं उसमें तीन चीज़ यूज़ किया गया है। एक तो हमने यूज़ किया है इसमें सीक्वेंस यूज़ किया है प्लेन सीक्वेंस, ठीक है, और हमने थोड़ा यूज़ किया इसमें फनास का सीक्वेंस, थोड़ा उठावा होता है, और उसके बाद हमने यूज़ किया है जरदोजी जो हमने लगाया था फ्लावर में, वही जरदोजी हमको यहाँ पे भी देना है ताकि वहाँ का कलर हमको यहाँ पे भी शेडो मारे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा आपका लुक। आपको बता दूं मैं, हमारा मेन रीज़न क्या है जो हम दो सीक्वेंस इसमें यूज़ कर रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। हम खास करके इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा जो जरदोजी होता है वो सीक्वेंस के आर पार चले जाता है, हम अगर सीक्वेंस यूज़ करते हैं बड़े साइज़ का तो इसके लिए हमको पहले बड़े साइज़ का लेना है उसके बाद एक छोटे साइज़ का लेना है जिससे हमारा सीक्वेंस जो है वो रुक जाए, होल्ड हो जाए। इसमें मैंने यूज़ किया है 3 नंबर पर, आप 2 नंबर यूज़ करना वो काफ़ी बेटर होता है इससे। तो इसके बाद हमने लेंगे सल्ली, ठीक है, छपाई जैसा हमारा नीचे दिख रहा है आपको, पेशनी के बाजू में छपाई मारी है हमारी, वहाँ पे हम इसको डालने वाले हैं सल्ली को। सल्ली के आजू बाजू में उतना ही गैप देना है आपको कि उसके बाजू में जो भी वर्क जाएगा हमारा, जिससे हमारा ये भरा हुआ दिखे, ठीक है। तो इस तरीके से हम वहाँ पर सल्ली मारेंगे, गोल्डन सल्ली आप ले सकते हो, एंटिक सल्ली भी आप ले सकते हो, ठीक है। सल्ली हो जाने के बाद हमको लेना है बीट्स, शुगर बीट्स लेना है हमको, कहाँ लगाना है इसको, छोटी सी घुमरी बची है वहाँ पे हम उसको ऐड कर लेंगे, और काफ़ी बारीक रहेगा ये साइज़ में अपने, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छा रहेगा ये। और सीक्वेंस का छीटा जैसे कि हमारे पेशनी मारा है, पेशनी के फेस पे हम मुंह पे उसको लगा सकते हैं, वो भी अच्छा दिखेगा। तो मटेरियल के काम हो जाने के बाद हमको मेन चीज लेना है वो है जरी, ठीक है, ये एंटी गोल्ड जरी है दयाल जी की, आपको ये लेना है। और क्या करेंगे, सारा मटेरियल जो आपने मारा है उसको आपको आउटलाइन करना है, काफ़ी शार्पली करेंगे यानी कि बारीक टाका निकालेंगे आप, और हर एक को आप आउटलाइन मारेंगे। आपने जो सिला है यहाँ पे, पेशनी सिला है, ठीक है, सल्ली सिला है, हर एक को आपको आउटलाइन मारना है, काफ़ी बारीक मारेंगे जिससे आपका जगह जो है भर जाएगा।
तो सारे को आउटलाइन मार लेंगे, काफ़ी फिनिशिंग और काफ़ी अच्छे से मारेंगे आप उसको, और जितने भी आपका वर्क दिख रहा है ठीक है, आउटलाइन मारने के बाद काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा आपका 90%। और उसके बाद जो हमारा लास्ट कलर रहेगा उसको हम ऐड कर लेंगे। तो कसब मारने के बाद यानी कि जरी मारने के बाद जो लुक अपना आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है ठीक है। जब अपना ये लुक आ जाए, कंप्लीट हो जाए आपकी जरी, उसके बाद आपको तीसरा कलर लेना है ठीक है। जो जगह हमारा बचा हुआ है उसके हिसाब से हम वहाँ पे जगह में हम तीसरा कलर डालेंगे। अब देखना है कैसे, करीब में बहुत सारी पत्तियाँ हैं तो पत्तियों को क्या है उसको भी हमको बांटना है। तो एक पत्तियों में हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे एंटिक गोल्ड जो हमारा बीच में फ्लावर है उस पत्तियों में हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आजू बाजू की दो पत्तियाँ हैं उस पर हम एंटिक गोल्ड डाल सकते हैं जिसका लुक है वो अच्छा आ जाएगा, और बाकी की जो पत्तियाँ हैं उस पर हम देंगे तीसरा कलर। तो आपको दिख रहा होगा पत्ती की साइज़ बहुत छोटी है ठीक है, उसी साइज़ के हिसाब से आपको काटना है जरदोजी को और वहाँ पे ऐड करना है। और इसके लिए जो निडल लग रहा है वो 7 नंबर लग रहा है, जरदोजी का ये स्पेशल निडल होता है ठीक है। और इस पर जो हमने धागा यूज़ किया है, जो थ्रेड यूज़ किया है, एक ही थ्रेड यूज़ किया है पूरे वर्क में ठीक है, तो वो है हमारा गोल्डन पॉलिशर धागा थ्रेड। और जो हम तीसरा कलर जो लगाएंगे, जो भी इसमें कलर ऐड करेंगे, जो कलर का हम जो कलर ऐड कर रहे हैं, जरदोजी ऐड कर रहे हैं, तो उसमें का ही हमको धागा लेना है। तो नीचे साइड में हम लेंगे चेरा पत्ती, जैसे कि डबल लोडेड पत्ती होती है, हम नीचे वाले में ले लेंगे इसको। अभी जो भी जगह बचा है हमारा उस पर हम तीसरा कलर लेंगे ठीक है, जो आपका कॉन्ट्रास्ट कलर रहेगा। जैसे हमने ये मारा है गोल्डन और एंटिक गोल्ड, ये तो हमारा वर्क कॉम्बिनेशन होता ही है, पर तीसरा हमारा जो कॉन्ट्रास्ट कलर होता है हमको उसको लेना पड़ता है ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट कलर के हिसाब से हमको अपना माल लेना है और वहाँ पर जो जगह बचा हुआ है उस पर हमको सिलना है ठीक है। आप जरदोजी ले सकते हो, रेशम ले सकते हो, तो हमारे पास जरदोजी अवेलेबल है, तो हम जरदोजी लगाएंगे, उसी कलर का धागा लगाएंगे थ्रेड ओके पॉलिस्टर का। ये कलर का आप जो कंप्लीट कर लोगे तो आपका जो लुक है, एक कलर खाली आ जाने से आपका जो लुक है वो डबल डबल और ज़्यादा फिनिशिंग में हो जाएगा और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। जो आपने देखा है फोटोज़ में उससे ये लाख गुना बेटर है। आप जब इसको फुल तैयार करोगे, फुल ब्लाउज में लगाओगे, तो आपका जो वर्क है वो काफ़ी बेहतरीन लगेगा। तो ऐसे ही वर्क सीखने के लिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारे वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।